फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेमोना अज़हर। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है वेजिटेबल बॉल्स। बहुत ही मज़े के ये बने हैं, ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। इसमें जो वेजिटेबल यूज़ करेंगे वो ये हैं। हम लेंगे एक अदद एग बॉयल किया हुआ, और एक अदद लेंगे गाजर, एक अदद शिमला मिर्च, और थोड़ा सा बंद गोभी का फूल क्रश कर लेंगे, और एक पैकेट लेंगे नूडल्स। आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, उनको बॉयल करेंगे, और ब्रेड के स्लाइस लेंगे, और ब्लैक पेपर लेंगे, सॉल्ट लेंगे, और ज़ीरा पाउडर। हम सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल में लिए हैं नूडल्स जो बॉयल किए हुए हैं। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, ये चटपटा फ्लेवर है। और इसमें मैं ऐड करूँगी जो सब्ज़ियाँ कटिंग की हैं वो, ये देखिए, वन बाई वन हम सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ियाँ जो हैं वो कच्ची ही हैं, हमने बॉयल नहीं की। और इसमें ये ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं स्पून के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। एक जैसा मिक्स कीजिए, बहुत ही कलरफुल सब्जियां लग रही हैं, बहुत ही मज़े के बनने जा रहे हैं ये वेजिटेबल बॉल। आप इजीली घर में बना सकते हैं, जैसे ही टी पार्टी हो, या कोई भी आप रात में या स्नैक के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको फौरी बना सकते हैं। इसमें बहुत थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारा मिक्सर जो है वेजिटेबल बॉल का मिक्स हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हमने लिया है ब्रेड का स्लाइस, और ब्रेड के स्लाइस को हम इस तरह कटिंग करेंगे साइड से। इसके कॉर्नर जो है हमने रिमूव कर दिए हैं इस तरह, और अब इसको हम थोड़ा सा लगाएंगे वाटर। आप दोनों साइडों पे हाथ की मदद से वाटर लगाइए और इसको प्रेस कीजिए, और स्पून की मदद से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा। बहुत सॉफ्ट ब्रेड होती है, इसलिए आहिस्ता से इसको प्रेस कर लें। ये देखें, बहुत बारीक सी ये स्मूथ सी तय बन गई है। अब इसके ऊपर जो मिक्सचर रेडी किया है हमने वेजिटेबल्स और नूडल्स का, इसको डालकर हम इसको इस तरह कवर कर देंगे, और हाथ की मदद से इसको रोल कर देंगे। ये ऐसे आप इसको दबा दीजिएगा, अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा, और इसको गोल शेप में या रोल शेप में, जिस तरह भी आप इसको बनाना चाहते हैं उस तरह इसकी शेप दे सकते हैं। मैंने ये बॉल की शेप दी है इसको, आप रोल भी बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया। इस तरह आपने रेडी कर लेने हैं ये सारे। अभी तो मैं आपके सामने थोड़े से बना रही हूँ। अब हम इसको फ्राई करने के लिए एक अदद लेंगे एग, और इसको किया है हमने बीट, ये देखिए, और थोड़ा सा हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं इसके ऊपर। पहले हम ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अंडा लगा के अप्लाई करेंगे। ये देखिए, पहले हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। बिल्कुल रोल हो चुका है, ये खुलेगा नहीं, अच्छे से इसको प्रेस किया हुआ है। अब इसके पहले अंडा लगाया है, और साथ ही इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं इस तरह। आप सबको पहले लगा के इस तरह प्लेट में रख लीजिएगा, आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। वन बाय वन इसी तरह सारा हमने ये रेडी कर लिया है। अब मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। ये देखिए, ऑयल हमारा जो है तकरीबन गर्म हो चुका है, मैंने पहले से रख दिया था। अब इसमें मैंने ये बॉल डाल दिए हैं, और इसको लाइट लाइट हम फ्राई करेंगे वन बाय वन। इसको मूव करते रहना है, क्योंकि इसकी कोई साइड ज़्यादा ना ब्राउन हो जाए। हमने एक जैसा कलर हमें चाहिए इसका, गोल्डन ब्राउन सा। और क्योंकि मिक्सर जो है तकरीबन रेडी है, वो हमारा पहले से ही बना हुआ है, तो उसको ज़्यादा नहीं हमने फ्राई करना, इसलिए हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे गोल्डन। जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगे तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। वन बाय वन आप इसकी साइड चेंज करते रहिएगा, ताकि किसी तरफ से ज़्यादा ना हो जाए।
हमें लाइट गोल्डन से चाहिए, गोल्डन ब्राउन से चाहिए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है और वेजिटेबल्स भी अंदर से दिख रही हैं, बहुत मज़े का लग रहा है ये। आप इसको केचप या किसी सॉस के साथ ले सकते हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तकरीबन हमारे ये रेडी हो चुके हैं, ये देखिए गोल्डन ब्राउन से होना स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी तरफ से मैंने हल्के हल्के से फ्राई करने हैं, इसको साथ साथ मूव करते रहेंगे वरना ये जल जाएंगे, हमें इसे जलाना नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। आप मेरी वीडियो अगर देखें तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ये लीजिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से कलर जो है तकरीबन इक्वल हो चुका है इसका, ये गोल्डन ब्राउन सा कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया है इस पर। तो चलिए तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये लीजिए ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं और इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितने ही मज़े के लग रहे हैं, सब्जियाँ हमारी भी पक चुकी हैं, नूडल्स ऑलरेडी पके हुए थे, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं ये वेजिटेबल बॉल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।